सीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने मुगल एम्पायर की डिस्कशन को, और इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे जब्त एंड जमींदार्स के बारे में। देखो दोस्तों, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो अवेलेबल था ना मुगल रूलर्स के पास, वो बेसिकली टैक्स था, जो कि किसान जितना भी प्रोड्यूस करते थे उस प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, साफ तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो अवेलेबल था मुगल रूलर्स के पास, वो क्या था? इट वॉज द टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट, यानी कि जो किसान है वो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उस पर जो टैक्स लगेगा, उस पर कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाएगा, और वो मेन सोर्स था रेवेन्यू का। ठीक है, तो अगर ये आपको आए कि पीजेंट्री का जो प्रोडक्शन है क्या वो मेन सोर्स था, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, मतलब पेपर के अंदर ध्यान से देखना, ये फालतू स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इन मोस्ट प्लेसेस जो पीजेंट्स थे वो टैक्स पे करते थे जो गांव में रहने वाले जो एलिट्स थे, यानी कि जो विलेज हेडमैन थे या फिर जो लोकल चीफ्टियंस थे। अगेन दे वर वर्किंग अंडर सम और दी अदर मुगल अथॉरिटी। मुगल्स ना एक टर्म यूज करते थे, जमींदार। अब जमींदार कौन होते थे? जमींदार मुगल एम्पायर के टर्म पर, मुगल एम्पायर के टाइम पर एक ऐसी टर्म थी जो कि यूज करी जाती थी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? हिंदी में इसको बिचौलिया बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका? यानी कि ये किसकी छत्रछाया में काम कर रहे हैं? वैसे तो मुगल एम्पायर की, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ क्या दी जाएगी कि टैक्स कलेक्शन पावर है ना, लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करो। ठीक है, तो वेदर दे वर लोकल विलेज हेडमैन या फिर पावरफुल चीफ्टेंस, इनको ये टर्म दी जाती थी जमींदार मुगल एम्पायर के अंतर्गत। ठीक है, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था जिसका नाम था टोडरमल, ये अपने आप में एक स्टेट पीएससी में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वैसे तो हम नवरत्न के बारे में बात करेंगे अकबर के, लेकिन अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो टोडरमल था। ठीक है, वो एक केयरफुल सर्वे जो है क्रॉप्स की प्रोडक्शन का वो कैरी आउट करता था कि प्राइजेस और जो एरियाज हैं जो कल्टीवेट करे जाएंगे 10 साल के पीरियड के लिए, 1570 से लेकर 1580 तक उसने केयरफुल तरीके से एक सर्वे करा। ये वही वाली चीज, शाइनी, वो आपका एग्जांपल याद है ना कि आपके घर से अगर हम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी के लेक्चर में हमने करा था, तो एक जमीन से कितना रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। अब ये वाली चीज तो हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंटेक्स्ट में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी देखी थी, और इकोनॉमी में भी जनरल आपके एग्जाम्पल से हमने बात करी थी, तो पता होना चाहिए ना इनको। अर्पित बताओ कि जब ये एक सर्वे कैरी आउट कर रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए ना कि एक जमीन से कितना रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। तो उस रेवेन्यू, उस प्रोडक्शन के ऊपर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाएगा। तो 10 साल के पीरियड में बहुत एक्सटेंसिव सर्वे कंडक्ट करा गया। अकबर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू मिनिस्टर को दी थी, और अकबर के दरबार में उस टाइम पर रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल। ठीक है, टोडरमल ने अपने ऑफिसर्स के साथ जो भी डेटा कलेक्ट करा इस 10 साल के पीरियड में, इस एक डिकेड के पीरियड में, तो यहां पर टोडरमल अलोंग विद अदर मिनिस्टर्स उन्होंने क्या करा, लैंड को जब ये सर्वे करने जाते थे ना, तो अब इनका कोई एक पर्टिकुलर रीजन तो था नहीं, इनका तो जो एम्पायर का जो एक्सपेंशन था वो तो हर एक रीजन में फैला हुआ था। हर एक रीजन में अलग अलग प्रकार के सॉयल टेक्सचर्स होते हैं, फर्टिलिटी अलग अलग होती है सॉयल की, क्लाइमेट भी अलग होता है, वेदर सिस्टम भी अलग अलग होता है, राइट? तो उस लिहाज से अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं हमारे देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग स्टेट्स में। तो हर एक क्रॉप के ऊपर जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया। ठीक है, ये देखते हुए कि अलग अलग किसानों के पास जमीनें कितनी हैं, और उन जमीनों को डिसाइड करते हुए जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया हर एक क्रॉप के लिए। हर एक प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड करा गया। ठीक है, विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, यानी कि एक एक जो क्रॉप अगर एक एक जमीन पर जो उग रहा है, तो हर एक पर्सन को यहां से टोटल प्रोडक्शन के ऊपर, मान लो कि अगर इतनी उसकी जमीन है और यहाँ पर 100 क्विंटल अगर कुछ भी चीज की प्रोडक्शन होती है, तो मान लो कि 3 क्विंटल उसको टैक्स की फॉर्म में देना पड़ेगा या 5 क्विंटल देना पड़ेगा, इस तरीके से उसको डिसाइड करा गया। ठीक है, इस प्रकार का ये जो दोस्तों रेवेन्यू सिस्टम था ना, इसके लिए टर्म यूज करी जाती थी, इसको हम लोग बोलते थे जब्त। क्या बोलते थे? जब्त। ठीक है, ये उन एरियाज में ये वाला रेवेन्यू सिस्टम प्रेवलेंट था जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो आराम से लैंड को सर्वे कर सकते हैं और केयरफुल अकाउंट्स रख सकते हैं उस चीज के। ठीक है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं थी गुजरात में और बंगाल में, दूसरे प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, कुछ एरियाज के अंदर जो जमींदार थे
उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। अगेन बात एक ही थी कि ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके अंदर लालच बढ़ जाना, ठीक है। जो एक्सप्लॉटेशन होती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, तो कभी कभार ये लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ, जैसे कोई अब इनसे भी बड़ा एक ऑफिसर आया तो उसके खिलाफ इन्होंने बगावत करना शुरू कर दी। कभी कभार जमींदार और जो पीजेंट्स हैं, अगर वो सेम कास्ट के हैं, ठीक है, तो वो मिल जाते थे मुगल अथॉरिटी के खिलाफ रेबेलियन करने, क्योंकि इनको क्या लगता था कि इनके पास इतना बच नहीं रहा है, इनको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है और टैक्स की जो लागत है वो काफी ज्यादा है, जो कि इनको प्रॉफिट बचाने ही नहीं देती है। जितना ये प्रोड्यूस करते हैं उतना टैक्स देने में चला जाता है, यानी कि जीरो सम गेम चल रहा है इनके पास। ये जो पीजेंट रिवोल्ट थे, इसकी वजह से मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी चैलेंज होती है 17वीं सेंचुरी के एंड में। और ये स्टेबिलिटी, मैंने जैसा कि हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पेड़ पर लगातार अगर वार करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक टाइम ऐसा आएगा फिर वो सिर्फ एक कुल्हाड़ी मारने की जरूरत होगी और वो गिर जाएगा। तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, स्टार्टिंग ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। धीरे धीरे ऐसे करके कुछ कुछ किंगडम्स और राज्य, या जहां जहां जिन जिन एरिया से रेवेन्यू प्राप्त होता था, जो क्रॉप प्रोडक्शन होती थी, उन लोगों ने बगावत करके अपने आप को दरकिनार कर दिया, मुगल अथॉरिटी से बिल्कुल साइड कर लिया, अपने आप को परे कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई? बताओ, जब्त का कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों हम लोग, अकबरनामा एंड एनआई अकबरी। क्या ये, ध्यान से सुनना, अकबर के दरबार में मैंने आपको बताया नवरत्न थे, ठीक है, 9 ऐसे मेन लोग जो कि अकबर के राइट हैंड माने जाते हैं। तो उसी में से एक अकबर का बड़ा क्लोज दोस्त, ठीक है, और इसके दरबार की शान, एक बंदा था जिसका नाम था अबुल फैसल। अकबर के टाइम का इतिहास जो अकबर के ऊपर लिखा गया है, उसका क्रेडिट जनरली अबुल फैजल को दिया जाता है। इतिहास के अंदर अबुल फैजल ने एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी अकबर के टाइम पर, अकबर के पूरे रूल को दर्शाते हुए, और उसको नाम दिया गया अकबरनामा। यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है, बाबरनामा क्या थी, बायोग्राफी थी कि ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अकबरनामा बायोग्राफी की ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी, ठीक है। इसमें सौगंधा एक बात और याद रखना कि सिर्फ वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर की लाइफ स्टाइल उसके ऊपर वो बेसिस है, इससे जुड़े आसपास या कुछ भी चीज, जो इसका रूल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो टैक्सेशन सिस्टम था, हर चीज को डिस्क्राइब करा गया। यानी कि अकबर की सिर्फ लाइफ को नहीं, सिर्फ उसके पर्सनल, मतलब क्या कहते हैं, घर गृहस्थी वाली चीजें नहीं, ओवरऑल उसके रूल के टाइम पे कौन कौन दुश्मन थे, क्या क्या चीजें हासिल करी अकबर ने, क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्ट करवाई, ये सारी चीजें जो है अकबरनामा में डिस्क्राइब करी गई थी अबुल फैजल के द्वारा। और ये आप हिस्ट्री भी देख सकते हो कि कितनी वॉल्यूमिनस हिस्ट्री होगी, कितनी डिटेलिंग होगी इस हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज इट वॉज अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ना जनरली इतना सिंपल अब नहीं निकल सकता, मतलब अब जो एग्जाम आएंगे 2023 से, अब इतना सिंपल क्वेश्चन ये तो निकलेगा नहीं। स्टेट पीएससी या फिर एसएससी को अगर साइड कर दो, यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें, तो अब हमें इस 3 वॉल्यूम की थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। एक छोटा सा ट्रेलर इस बुक से देख लेते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा तो हम देख लेंगे और ज्यादा डिटेल में इस चीज को, अकबरनामा को। तो देखो बात करते हैं अकबरनामा के 3 वॉल्यूम। जो सबसे पहला वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, वो डील करता है अकबर के एंसेस्टर्स के साथ, ठीक है, यानी कि जो अकबर के पूर्वज हैं, ये डील करता है अकबर के एंसेस्टर्स के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है। जो दूसरा वॉल्यूम है, अकबर के रूल के टाइम पे जो भी घटनाक्रम हुआ उसको रिकॉर्ड करता है, ये इवेंट्स प्लस वॉर्स प्लस पॉलिटिक्स, ये सेकंड वॉल्यूम है। थर्ड वॉल्यूम जो है उसका नाम है दोस्तों एनआई अकबरी। फर्स्ट वॉल्यूम का नाम नहीं है एनआई अकबरी, सेकंड वॉल्यूम का नाम नहीं है एनआई अकबरी, लेकिन थर्ड वॉल्यूम का नाम है एनआई अकबरी। लेकिन एनआई अकबरी प्लस सेकेंड वॉल्यूम, जहां पर इवेंट्स दिए गए हैं, वॉर्स एंड पॉलिटिक्स अकबर के कार्यकाल के टाइम पर समझाया गया है,
और पहला वॉल्यूम जिसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में, उनके रूल के बारे में थोड़ी थोड़ी झलक हमें देखने को मिलती है, इन तीनों को कंबाइन करके बोला जाता है अकबरनामा। लेकिन इस अकबरनामा में जो तीसरा वॉल्यूम है सिर्फ उसको बोला जाता है एनाए अकबरी। अब सोचो जरा, अगर ऐसी स्टेटमेंट बन गई तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बताओ सोगंधा, कर सकती है ना? हमें हमें लगेगा कि अलग बुक है वो, है ना शाइनी, और हमें लगेगा अकबरनामा कुछ अलग बुक है। अकबरनामा इज अ काइंड ऑफ, ऐसा मान लो कि हैरी पॉटर की सीरीज होती ना जैसे, अब है तो वो, है तो वो पूरे का पूरा हैरी पॉटर के ऊपर ही वो चल रही है। अगर हैरी पॉटर की बुक का पार्ट वन है तो बिना उसको पढ़े कोई पार्ट नाइन को समझ सकता है क्या अर्पित, बताओ? नहीं ना। लेकिन वो हम लोग क्या कह रहे हैं उसको, उस बुक को, हैरी पॉटर की सीरीज। ऐसे ही जो अकबर की जो पूरे वंश की जो सीरीज है, यानी पर्टिकुलरली अगर अकबर के बारे में बात करें, पुराने वंशज के बारे में भी बात करी गई है, अकबर के कार्यकाल के बारे में भी बात करी गई है, और तीसरा वॉल्यूम एक जो है उसको स्पेशल नाम दिया गया है एनाए अकबरी। इन तीनों को कंबाइन करके, जैसे मैंने मान लो हैरी पॉटर की बुक का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, लेकिन वो ब्रॉडर टाइटल क्या है उसका, हैरी पॉटर की सीरीज। तो इसका ब्रॉडर टाइटल है अकबरनामा, उसके अंदर वॉल्यूम वन, टू एंड थ्री है, और थर्ड का नाम है एनाए अकबरी। इसमें किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है? मैं जल्दी तो नहीं बोल गया, आराम से समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, अगर पर्टिकुलरली एनाए अकबरी के बारे में अगर एक क्वेश्चन आ गया ना, तो एक तो वो स्टेटमेंट ऐसी बना कर दे देंगे अकबरनामा से जोड़कर या कुछ भी कर कर, क्या इसमें अकबर से जुड़े कुछ इवेंट्स या एंसेस्टर्स कुछ डिस्क्राइब हैं क्या क्या नहीं है। लेकिन नहीं, हमें एनाए अकबरी के अंदर जाकर देखना होगा कि इसमें ऐसी स्पेशल बात क्या थी कि इसको थर्ड वॉल्यूम को जनरली ऐसे कुछ भी ना देते हुए एक स्पेशल नाम दिया गया। तो देखो, ये जो वॉल्यूम है ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है, उनके कोर्ट में, घर में क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में बात करता है, अकबर ने अपनी आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज करा उसके बारे में बात करता है, मुगल एम्पायर के मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और कहाँ का खर्चा होता था उन रेवेन्यू का इसके बारे में बात करता है, और उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन कहाँ का फैला हुआ था इस एम्पायर का उसके बारे में बात करता है। हमें यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, अगर हम एनाए अकबरी पढ़े ना, तो हमें मुगल साम्राज्य कि जो सीमाएं थी जो हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में और हिंदुस्तान के बियॉन्ड भी फैल रखी थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटियर्स पर जो पूरी की पूरी ये मुगल एम्पायर की जो सीमाएं थी, हमें यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग जो ट्रेडिशंस और जो कल्चर है जिसको एक्सेप्ट करा गया या नहीं भी करा गया, लेकिन जिसको मुगल एम्परर में से अकबर ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसमें दिलचस्पी दिखाई, उन ट्रेडिशंस एंड कल्चर जो कि भारत में अन्य लोगों के थे, अन्य कम्युनिटीज के थे, अन्य रीजन से थे, इसके बारे में भी लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है? तो यानी कि कल्चरल एलिमेंट आपको वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू या वॉल्यूम थ्री में से किस में से देखने को मिलता है अगर आ जाए क्वेश्चन, तो कि अकबर के टाइम पर जो कल्चरल इवेंट्स थे या जो ट्रेडिशन थे इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज के, तो वो वॉल्यूम थ्री के अंदर देखने को मिलता है। और वॉल्यूम थ्री ना लिखकर एग्जामिनर क्या लिख सकता है क्वेश्चन बनाने वाला, एनाए अकबरी, ठीक है? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एनाए अकबरी का ये है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से ना एक स्टैटिस्टिकल डिटेल्स देखने को मिलती है, यानी कि प्रॉपर आंकड़ों के टर्म्स में बात करी गई है। किसके बारे में? क्रॉप्स के बारे में, जो भी प्रोडक्शन होती है उसके बारे में, यील्ड्स का मतलब होता है प्रोड्यूस, ठीक है? प्राइजेस के बारे में, जो मजदूर वगैरह या जो भी लोग काम करते थे भले ही वो कोर्टियर्स से, उनकी सैलरीज वगैरह के बारे में, वेजेस के बारे में, और मुगल एम्पायर को एक साल के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर, एक हफ्ते के अंदर कितना रेवेन्यू और कहां कहां से रेवेन्यू प्राप्त होता था इसके बारे में। तो एक बार बताओ जरा मुझे शाइनी, क्रॉप्स, प्रोडक्शन, प्राइजेस, वेजेस और रेवेन्यूज, इसके लिए एक अगर हमारे पास नंबर हो तभी हम जान सकते हैं ना कि एक एम्पायर कितना रिच है या वो कितनी रिचनेस एंजॉय कर रहा है, या फिर वो प्रीवियस डिकेड के कंपैरिजन में या प्रीवियस अपने वर्ष के कंपैरिजन में क्या वो एम्पायर को आगे लेकर गया है या उसने गिरा दिया एम्पायर को, या फिर वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ये हम नंबरों से ही जान सकते हैं ना, ना कि तारीफों से, है ना? तो ये चीज हमें अर्पित कि कितना क्रॉप प्रोड्यूस होता था, कितना कौन कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस होते थे, उन क्रॉप्स के ऊपर कितनी लागत आती थी प्रोडक्शन के ऊपर, फिर उसके ऊपर टैक्स कितना लगाया जाता था, सर्वे किस प्रकार से होता था कि वेजेस डिसाइड करी जाए, टैक्स डिसाइड करी जाए, मुगल एम्पायर के पास आने वाला अन्य अन्य सोर्स से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, अन्य सोर्सेस से रेवेन्यू आए, ये सारी चीजें न्यूमेरिकली आपको एनआई अकबरी में देखने को मिलती है। ये वाला जो पॉइंट है ना,
ये आपको और किसी स्टैंडर्ड सोर्सेज के अंदर मिलने ही नहीं वाला कि एनआई अकबरी के अंदर स्टैटिस्टिकल जो डिटेल्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो हमें देखने को मिलती है, नंबर 1 क्रॉप्स की, नंबर 2 यील्ड्स की, नंबर 3 प्राइजेस की, नंबर 4 वेजेस की, और नंबर 5 रेवेन्यूज की। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बने चाहे ना बने, लेकिन स्टेट पीएससी में अगर इससे क्वेश्चन बना तो ये इस प्रकार की एनसीईआरटी के बक्सों को ही उठाते हैं। ठीक है, तो अकबर यहां पर देखो अकबरनामा रिसीव कर रहा है फ्रॉम अबुल फैजल। तो अगर हम कहें कि एक जनरल बात पूछ रहा हूं कि अगर यहां पर लिखा हुआ है कि अकबर यहां पर अकबरनामा रिसीव कर रहा है अबुल फैजल, तो अबुल फैजल उसे अकबरनामा की फॉर्म में क्या चीज दे रहा है? नहीं, अरे तीन बुक्स दे रहा है, ये बोलो, है ना? ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये एक जानने के बस एक मतलब बात करने के एक एस्पेक्ट से, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, बस इस वजह से मैंने पूछा कि जब भी अकबरनामा का नाम आए तो आप सामने वाले को कोट करके पूछो शायनी, है ना, कि आप अकबरनामा की जो बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ आप कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हो? वॉल्यूम 1 के बारे में, उनके एंसेस्टर्स के बारे में, वॉल्यूम 2 के बारे में जिसके अंदर उनके इवेंट्स और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, या वॉल्यूम 3 के बारे में जो कि एना एक बारी है, विच इज अ मच ब्रॉडर एस्पेक्ट अमंग द 3 सीरीज। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई पूछे ना कि अकबरनामा में इनमें से क्या दे रखा था, तो आपका दिमाग वहां पर एक बार के लिए रुकना चाहिए। पूछो आपसे कि यार अकबरनामा के ऊपर क्वेश्चन आया है, यहां पर ट्रैप बन सकता है क्योंकि अकबरनामा के अंदर 3 वॉल्यूम्स थे और तीनों वॉल्यूम्स एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है वो अकबर के रेन के बारे में ही, अकबर के रूल के बारे में ही, लेकिन तीनों के अंदर अलग अलग चीजें गिवन है। अगर सेम चीजें गिवन होती तो बताओ शाइनी, सिंपल सा वो एक इसी को बोल देता है एनआई अकबरी, या वॉल्यूम 1 करके उसी के अंदर सारी चीजें लिख देता है कि नहीं? ये चीज तो ये याद रखना, ठीक है? और अभी तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट है। देखो अभी क्या लग रहा होगा आपको कि हमने जमींदारी पढ़ा, जागीरदारी पढ़ा, जब्त पढ़ा, ठीक है, हमने क्या कहते हैं इनके जो जमींदार इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं तो उसके बारे में पढ़ा, फिर कुछ कुछ चीजें बीच में कभी कभार नवरत्न के बारे में आ जा रही हैं, फिर इसके रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम आ गया टोडरमल के, वो सर्वे करता था उसके लिहाज से पूरा का पूरा कि कौन कौन से क्रॉप किस किस रीजन में उग सकते हैं और एक खेत से कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, फिर उस फार्मर के ऊपर उसकी प्रोडक्शन को देखते हुए कितना टैक्स लगाया जाएगा। ये सारी चीजें अभी थोड़ी सी इस चैप्टर के अंदर आपको तितर बितर होकर मिलेंगी, यानी कि इधर उधर बिखरी हुई मिलेंगी। डोंट वरी, एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टैंडर्ड सोर्सेस में इसके बारे में जब बात करेंगे हम लोग, तब आप देखोगे कि हम ऑलमोस्ट एक दिन लगाएंगे जब हम नवरत्न के बारे में, मतलब एक क्लास पूरी की पूरी लगाएंगे जब हम उस क्लास में सिर्फ नवरत्नों के बारे में डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक एक नवरत्न ने वो अकबर की आंख का तारा क्यों था, अकबर को पसंद क्यों था वो नवरत्न, कि उसको नवरत्न बना दिया अपने दरबार के अंदर। अब एक सिमिलैरिटी याद रखना दोस्तों, क्योंकि दोनों क्या होता है, यूपीएससी ना कभी ऐसा नहीं करता कि वो आपको अशोका से अकबर को कंपेयर करवा लेगा, अकबर को वॉरेन हेस्टिंग्स से कंपेयर करवा लेगा, यूपीएससी ये नहीं करता, ये बेवकूफपन की चीजें होती हैं, ठीक है। यूपीएससी क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर एरा के अंदर, अब एरा इतिहास में 3 ही होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी 2 डायनेस्टीज, 2 एम्पायर या 2 रूलर्स होते हैं ना, जो कि उस पर्टिकुलर एज से बिलोंग करते हैं, एंशियंट एज से, मेडिवल एज से या मॉडर्न एज से, उनको कंपेयर करवाता है। तो मध्यकालीन भारत में आपको मेडिवल इंडिया के अंदर विजयनगर एम्पायर भी देखने को मिलता है और मुगल एम्पायर भी देखने को मिलता है, एज वेल एज दिल्ली सल्तनत भी देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत को एक बार हम साइड हटाते हैं क्योंकि इसके बारे में हम देख चुके हैं क्या क्या चीजें कॉमन थी, क्या क्या अलग थी, और भी देखेंगे, लेकिन एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, जैसे कि मुगल एम्पायर में सबसे फेमस रूलर अकबर ना, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे फेमस रूलर कौन? कृष्णदेव राय। अकबर जैसे अपने दरबार के अंदर अपने दरबार की 9 लोगों की शान मेंटेन करता था ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नवरत्न, ऐसे कृष्णदेव राय अपने दरबार के अंदर जो मेंटेन करता था, कितने लोग थे इसके आंख के तारे? 8। और इसको बोला जाता था अष्ट,
दिग्गज, अष्ट दिग्गज, ठीक है। अब अगर ये आपको क्वेश्चन लाइट लग रहा है ना कि इससे क्या ही होगा, 2016 में मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आया कि कृष्ण देव राय वॉज नॉट ओनली अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बट ही हिमसेल्फ यूज टू लव समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसके बारे में आपको यहां पर रेफरेंस लिखनी थी अष्ट दिग्गजों के बारे में। एंड कमाल की बात यह है, विजयनगर एम्पायर के बारे में इस आवर पास टू की बुक में, पूरी मेडिवल मेडिवल इंडिया की बुक है ये, और एक चैप्टर एक झलक तक नहीं है विजयनगर एम्पायर के बारे में। अगर बात करो थीम टू की, जो कि डायरेक्टली हिस्ट्री फिर हमें 12वीं क्लास में जाने को 12वीं क्लास में देखने को मिलती है, विजयनगर जो एम्पायर है ना उसके बारे में, अष्ट दिग्गज के बारे में वहां पर जिक्र ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूं, पेपर मद्रासी बना रहे हैं, ये कैसे पता लगता है, तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर इतना ज्यादा डिटेल में चैप्टर गिवन है जितना मुगल एम्पायर में गिवन नहीं है विजयनगर एम्पायर के बारे में। कल्याण मंडप का जो क्वेश्चन आया कई लोग ये बोलते हैं, या ट्रेवलर्स का जो क्वेश्चन आया कई लोग ये बोलते हैं कि वो विजयनगर एम्पायर जो 12th क्लास में आवर थीम टू की बुक में गिवन है वो वहां से आया, लेकिन नहीं, ये चीज आप आराम से 7th क्लास से यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ के तमिलनाडु एनसीईआरटी से। दीज आर सम ऑफ द ट्रैप्स एंड सम आर द सम ऑफ द क्या कह सकते हो आप, कुछ ट्रिक्स, ठीक है, जो कि आपका टाइम भी सेव करवा सकती है और स्टैंडर्ड बुक्स में आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन निकला था, सोचो जरा, 7th क्लास से मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार ही ना, प्रॉपर उसकी टोन क्या थी क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला आपसे 2016 का क्वेश्चन था, उस टाइम पर 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था जिसमें हमें 250 वर्ड्स नहीं होते थे, सारे क्वेश्चन सेम नेचर के होते थे। 2017 से पैटर्न बदला है यूपीएससी ने, जो कि आपको देखते हैं अभी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और 10 क्वेश्चन 15 नंबर के। क्वेश्चन देखो, कृष्णदेव राय द किंग ऑफ विजयनगर वॉज नॉट ओनली एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न सपोर्टर ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। चलो, अकम्प्लिश जो स्कॉलर था इसकी तो किताबें इसने खुद से क्या क्या लिखा वो लिखना था हमें, लेकिन पैटर्न सपोर्टर था लर्निंग एंड लिटरेचर का, इसके लिए आपके पास अष्ट दिग्गज का डेटा होना चाहिए था। बिना उसके अगर आप ये कोट नहीं करोगे कि कौन था उसके दरबार की शान जो कि लर्निंग एंड लिटरेचर को वो करता था, एक नाम जो कि बचपन में हम लोग देखते थे कार्टून एंड सीरियल्स की फॉर्म में, वो है, आपने सुना होगा, तेलानी रामा, सुना है अर्पित इसके बारे में, जैसे हम लोग अकबर के बीरबल देखते थे, ये भी शो आता था, सीरियल भी आता था इसके ऊपर, तेलानी रामा, ये इसका अष्ट दिग्गज था। जैसे बीरबल को हम लोग बोलते ना, बोलते क्या मतलब, था भी मतलब वो अकबर का नवरत्न, ऐसी बहुत फेमस नाम है ना बीरबल, मतलब बाकी नवरत्न को भले कोई जाने, शाइनी चैन आ जाने, बीरबल का नाम तो सब जानते हैं ऑलमोस्ट, है ना, बचपन से हमने सुना है। हमने फिर कार्टून भी आता था जिसमें वो दिखाते थे कि अकबर मूर्ख था, बीरबल उसको एडवाइस करता रहता था, बड़ा ज्ञानी था, है ना, मॉरल स्टोरीज आती थी उसके ऊपर, ऐसी तेलानी रामा के ऊपर भी आती थी। तो तेलानी अष्ट दिग्गजों में से इसका नाम भी जाना मतलब इंपॉर्टेंट था। अब कई लोग को तो एग्जाम करने के बाद पता लगा था 2016 के बाद, अच्छा ये जो तेलानी रामा हम देखते थे, अच्छा ये कृष्णदेव राय के साथ एसोसिएटेड था। लेकिन बात वही है ना, स्टूडेंट्स को सोर्स ही नहीं पता है करना कहां से है। 12th की बुक कर जाओ, उसके अंदर विजयनगर एम्पायर पूरे प्रॉपर चैप्टर है नाम से, लेकिन कोई जिक्र ही नहीं है अष्ट दिग्गज का, कृष्णदेव राय का जिक्र नहीं है उस चैप्टर के अंदर, बाकी तो छोड़ दो तुम, एक छोटा सा एक बॉक्स बनाकर बस एक मूर्ति बना रखी कृष्णदेव राय की, क्वेश्चन ये वाला हो ही नहीं सकता वहां से। लोग ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी ना बहुत मतलब इस टाइम के बाद तो लोगों ने अपना हौसला ही खो दिया कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन निकल रहे हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। और जितने लोग अभी एनसीईआरटी के गेम में फंसे हुए हैं उनके साथ यही होगा, और ये वन ऑफ द रीजन है जो लोगों को कहलवान पे मजबूर कर रहा है पिछले 5 साल से कि यूपीएससी लक फैक्टर का गेम हो गया है। कोई भी चीज को हम लक का नाम तब देते हैं जब उसके पीछे हमें लॉजिक ना पता हो, और यहां पर यूपीएससी में लॉजिक क्या है, सोर्सेस नहीं पता लोगों को,
तो वो ना पता नहीं कौन कौन सा इग्नू का मटेरियल, किसी इंस्टीट्यूट की वो क्या कहते हैं कुछ मटेरियल कहीं से उठा कर लिया कि इसमें यहाँ पर जिक्र है, यहाँ पर है, ये है, वो है, ऐसा नहीं है। पेपर बनाने की कमांड जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत कुछ शो करता है साउथ इंडियंस के हाथ में। पेपर नहीं यकीन आता तो एक दो अटेम्प्ट खराब करने के बाद देख लेना तमिलनाडु एनसीईआरटी को, और ये चीज बरकरार रहने वाली है क्योंकि एनसीईआरटी से जितनी टीम को पूछना था उतना पूछ चुके हैं 25 साल के अंदर, एनसीईआरटी से चीजें एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तमिलनाडु में पूछने के लिए अभी भी 95% स्कोप है, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे ज्योग्राफी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, और स्पेक्ट्रम पढ़ के ही सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। 3 साल से एक भी स्पेक्ट्रम से कोई क्वेश्चन फंस ही नहीं रहा, जो भी नेशनल रेवोल्यूशनरीज के नाम आ रहे हैं, कहने को 1,500 पेज की बुक है, क्योंकि यूपीएससी स्पेक्ट्रम नहीं उठाता कभी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, ना ही पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत उठाता है। जो घटना है वो तो घटना ही रहेंगी, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन दे दें, और पॉलिटी के जो आर्टिकल्स और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो तो चाहे कोई सा भी कोई भी अथॉरिटी कोई भी क्लेम करे तो वो तो सेम ही रहेगा ना, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, लेकिन स्मार्ट वर्क लोग अब सिर्फ टर्म यूज करते हैं, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि हार्ड वर्क कम हो जाएगा, हार्ड वर्क और बढ़ जाता है स्मार्ट वर्क से। हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है सोर्सेज स्मार्टली। उसके बाद अकबर की पॉलिसीज, जो ब्रॉड फीचर्स था अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, अकबर के टाइम पर, उसको इलेबोरेटली डिस्क्राइब करा हुआ है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा अबुल फैजल ने अकबर नामा के एक ब्रॉडर वॉल्यूम की बुक्स के अंदर, थर्ड वॉल्यूम के अंदर, जिसका नाम था एनआई अकबरी। अब तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर शाइनी किसी को भी अर्पित, ठीक है। अबुल फैजल ने एक्सप्लेन करा कि जो एम्पायर है वो ना अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि आप ऐसा मान लो कि मुगल एम्पायर सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना ये वाला स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, मुगल एम्पायर सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य भी होते हैं बड़े सारे शायनी देश में, है ना, और राज्यों के अंदर होती है स्टेट गवर्नमेंट्स, और आज भी हम उनको, या फिर जैसा कि हम लक्ष्मीकांत जब चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो हमने जो प्रोविंसेस की बात करते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो ये थे प्रोविंसेस, ठीक है। अब ये प्रोविंस टर्म तो कभी यूज करा नहीं गया होगा, वो प्रोविंस कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं ना, तो वो लोग जो वर्ड यूज करते थे वो वर्ड यूज करते थे, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है कभी, सूबास, सूबा, सूबास कह लो क्योंकि बहुत सारे थे, ठीक है। अब अगर एक सूबा है तो उसको रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए सूबेदार भी होना चाहिए, तो ये था सूबेदार। अब सूबेदार इन प्रोविंसेस के अंदर क्या करता था, ये इंपॉर्टेंट है। इन प्रोविंसेस के अंदर दो प्रकार की चीजें चलती थी, क्या पॉलिटिकल फंक्शंस भी कैरी आउट होते थे और मिलिट्री फंक्शंस भी कैरी आउट होते थे, क्योंकि हर चीज सेंट्रलाइज मशीनरी से होना पॉसिबल नहीं है शाइनी, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, सारे एक्ट देश में इससे तो नहीं बन सकते ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से, है ना, वरना विधानसभा का कंसेप्ट ही क्यों होता। ये कंसेप्ट यहीं पर अप्लाई कर लो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस जो थे वो प्रोविंसेस के अंदर थे, जिनको संभालने का जो जिम्मेदारी थी वो सूबेदार की थी। हर एक प्रोविंस के अंदर एक रेवेन्यू को कलेक्ट देखने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था, जिसके लिए टर्म यूज करी जाती है दोस्तों, दीवान। अब अगर पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस हैं किसी प्रोविंसेस के, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी एम्पायर ये चाहेगा क्या उसके राज्य में उथल पुथल होती रहे, बताओ, नहीं ना। नंबर 1 पर्पस तो यही है इन सारी अथॉरिटीज को अपॉइंट करने का, कि उस प्रोविंस के अंदर पीस एंड ऑर्डर बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने ऊपर देखा पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए सूबेदार था। सूबेदार बड़े सारे ऑफिसर्स के द्वारा सपोर्ट करा जाता था, मतलब इसकी हेल्प करने के लिए और भी ऑफिसर्स थे इसके साथ, अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता ये। एक था, ध्यान से सुनना ये सारी टर्म्स, मिलिट्री पे मास्टर, इसको हम लोग कहते थे बख्शी। उसके बाद मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनेज, सदर। मिलिट्री कमांडर्स को हम लोग कहते थे फौजदार, और टाउन पुलिस कमांडर को हम लोग कहते थे कोतवाल।
ये चार आपको टर्म्स याद रखनी है, जरूर से याद रखनी है आपको ये। अकबर के जो नोबल्स थे, नोबिलिटी होती ना, जो नोबल्स थे उनके दरबार जो लोग थे, वो बड़ी लार्ज आर्मी खुद से भी मेंटेन करते थे, वो निगरानी रखते थे उसकी। अब वो आर्मी इतनी बड़ी मेंटेन रखेंगे तो मुगल अथॉरिटी उनको पैसा भी देगी उसको मेंटेनेंस के लिए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इनके हाथ में था, नोबल्स के हाथ में। हालांकि लॉयल तो थे एम्पायर से, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते, यहां पर हम क्योंकि किसी रूलर की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, 17वीं सेंचुरी आते आते बड़े सारे नोबल्स ने इतना पैसा और आर्मी की स्ट्रेंथ इतनी ऑक्यूपाई कर ली थी कि अब वो अपने आप को मुगल एम्पायर से अलग होकर अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करना चाहते थे। इनकी लॉयल्टी जो थी 17वीं शताब्दी के अंत में काफी वीक होती चली गई, क्योंकि अब ये मुगल एम्पायर का इंटरेस्ट परस्यू करने की जगह अब ये अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करना चाहते थे, इनको अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था कि मुगल अथॉरिटी या मुगल एम्पायर की जो कमांड है वो इनको ना समझाए कि क्या करना है और कैसे करना है। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, अकबर एक टाइम पर फतेहपुर सिकरी था। फतेहपुर सिकरी एक ऐसी जगह है जो कि आगरा से लगभग 35 से 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर आगे है, ठीक है, 1570s की बात यहां पर चल रही है। उसकी डिस्कशन होना शुरू हुई यहां पर फतेहपुर सिकरी में विद ऑन द रिलीजन विद उलामा, ब्राह्मण, जीसुट प्रीस्ट जो कि रोमन कैथलिक्स थे, और जोरोआस्टियंस। जोरोआस्टियंस वो लोग होते हैं जिनको आज के टाइम में हम लोग पारसीज कहते हैं, ये फायर की वर्शिप करते हैं। यानी कि आपको यहां पर कौन कौन से, अकबर की जो डिस्कशन चल रही है कौन कौन से रिलीजियस लीडर्स के साथ चल रही है, कौन कौन से रिलीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको यहां पर इस्लाम, हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरोआस्ट्रियनिज्म यानी कि पारसी धर्म, राइट। अकबर इन सबके साथ डिस्कशन करके कॉम्बिनेशन में एक ऐसा रिलीजन बनाना चाहता था, और उसने बना भी लिया था, जहां पर सारे रिलीजन की अच्छी अच्छी वैल्यूज, हिंदुज्म की अच्छी वैल्यू, इस्लाम की अच्छी वैल्यू, क्रिश्चियनिटी की अच्छी वैल्यू, जोरोआस्ट्रियनिज्म की अच्छी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज एक जगह पर आए और उससे एक नया धर्म बने जिसको बोला जाता था दीने इलाही। दीने इलाही, ये डिस्कशंस अकबर जो है वो एक प्लेस पर कंडक्ट करवाता था जिसको हम बोलते हैं इबादत खाना। क्वेश्चन ये आ सकता है, इबादत खाना तो चलो ठीक है कि ये तो जनरल जगह होती है तो कहीं पर भी बन सकता है, किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन अकबर ने ये डिस्कशंस कहाँ शुरू करवाई करवाना सबसे पहले, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, उसके एम्पायर में कौन सी जगह थी वो ऐसी? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी याद रखना, ठीक है। अरबित कुछ कह रहे हो क्या, कुछ डाउट है? हाँ, फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। अकबर एक्चुअली शुरू से ही काफी ज्यादा टॉलरेंट लीडर है, जैसा कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस भी करा था, वो इंटरेस्टेड था रिलीजन के अंदर और सोशल कस्टम्स के अंदर, अलग अलग लोगों के। अकबर का जब इंटरेक्शन अलग अलग धर्म के लोगों के साथ, उनके लीडर्स के साथ जब होता था, तो अकबर को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज हो गई कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना वो इस चीज पर बड़ा फोकस करते हैं, ठीक है, कि रिचुअल एंड डॉगमा पे, और ये अक्सर बायगॉड्स की तरह काम करते हैं। अभी ये क्या होता है, डॉगमा मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी इंटरप्रिटेशन जिसको आप ये मानते हो यही चीज है, मैं आपको बता रहा हूं भगवान ने ऐसा कहा है, मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह ने ऐसा कहा है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट ऐसा बोल के गए हैं, कि यानी कि आप डॉग में कैसी चीज होती है, डेट यू शुड फॉलो समथिंग विदाउट क्वेश्चन, किंतु परंतु नहीं करो उसको, अंधाधुंध विदाउट क्वेश्चन आप उसको फॉलो करो। इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज की मॉरल वैल्यू नहीं झलक पाती, सही और गलत का फर्क हमें पता नहीं चल पाता। और बाइगॉट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि दूसरों के धर्म से या धार्मिक भावनाओं से बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करता, उसको ये लगता है
जो मेरा धर्म है, जो मेरी धार्मिक भावना है ना, वही सुप्रीम है। बाकी सबके तो धर्म और धार्मिक भावनाएं मेरे धर्म और धार्मिक भावनाएं से काफी कम है। एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चर, दोगलेबाजी और अपने आप को सुप्रीम बनकर दिखाना। लेकिन धर्म तो यही चीज होती है ना, एक बार बताओ, अगर आप किसी भी धर्म के साथ एसोसिएटेड हो तो दूसरे धर्म से कुछ अच्छी बातें सीखी जा सकती हैं, उसकी निंदा करोगे आप जाकर, या फिर वहां पर जाकर आप ये कोशिश करोगे कि लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है इन सबको मिटाकर जो मैं फॉलो करता हूं सिर्फ लोग उसकी उसी को माने। बताओ ये धर्म है क्या? आपकी अंदरूनी आत्मा आपको गवाही देगी क्या इस बात की कि आप दूसरों का धर्म छीन रहे हो, या जानबूझ के रिलीजियस बिलीफ को आप अपनी अपनी रिलीजियस बिलीफ को उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो? नहीं ना। इस इन टीचिंग्स की वजह इनकी जो टीचिंग्स है, अकबर को ये रियलाइज हो क्या, इसकी वजह से डिविजन्स और डिसहार्मनी पैदा होती है जनता के अंदर। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल, यूनिवर्सल पीस, या दीन ए इलाही भी बोल सकते हैं आप इसे, कि हर धर्म जो है वो एक ही बात करता है, तो सारे धर्म के अंदर जो भी अच्छी अच्छी वैल्यूज हैं उसको इंक्लूड करके एक धर्म बनाया अकबर ने। अकबर का ये मानना था जो आइडिया है ना टॉलरेंस का, वो हमें ये सिखाता है कि कभी भी हमें दूसरों के धर्म और धार्मिक भावनाओं के साथ डिस्मिशन नहीं करनी चाहिए। हमें धर्म के मामले में और दूसरों की फीलिंग्स के साथ, उनके रिलीजियस नेचर के साथ एक एथिक्स का सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस का। और ये चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए हर एक धर्म के पर्सन को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो महिला हो, सबको ये वाली चीज फॉलो करनी चाहिए। अब यहां पर आपको आपकी तीन हेल्प हो गई कि जब भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना, तो आप दीने इलाही का क्वेश्चन, दीने इलाही को कोट करके ना जीएस पेपर 4 में बहुत अच्छे मार्क्स आप पा सकते हो। लोगों को ये लगता है कि वो चीजें सिर्फ सीमित जीएस पेपर 1 तक ही है, लेकिन यूपीएससी यही चाह रहा है। एथिक्स में अगर आप देखोगे ना, एथिक्स का कोई ज्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं होता। एथिक्स का सिलेबस कैन बी इजिली कवर्ड इन 20-25 डेज, बहुत आसानी से कवर हो सकता है। उसके अंदर जीएस पेपर 1, 2 और 3 की बातें जो हमने पढ़ी हैं, उसमें बस आप अगर फिलॉसफी और फीलिंग्स का अगर एंगल डाल दो ना, तो यही बन जाता है आपका जीएस पेपर 4। और ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये आपको खींचकर जीएस पेपर 1, 2, 3 प्लस योर इंडिविजुअल लाइफ से लाने होते हैं। दो एग्जाम्पल हमेशा हर एक एस्पेक्ट में देने होते हैं जीएस पेपर 4 में। एक आप अपना जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 से लेकर आओ, एक आप अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर आओ। आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं जीएस पेपर 4 के अंदर, क्योंकि थीम्स जो है ना 2013 से लेकर 2022 का जो पेपर है, रिपीटेड थीम्स हैं। लगभग कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऐसी थीम्स हैं जो 8-8, 9-9 बार रिपीट हो चुकी हैं। आंसर का स्ट्रक्चर उसका सेम है, सब कुछ सेम है, बस वहां पर नाम और सरकमस्टांस को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया गया है, ताकि एथिकल वैल्यूज को बस इधर उधर करके जान सके एग्जामिनर आपसे। तो ऐसी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जीएस पेपर 4 के अंदर, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, और इसके सुलाए कुल का कंसेप्ट या दीन एलाई का कंसेप्ट। अबुल फैजल ने हेल्प करी अकबर को इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस इस आइडिया के इर्द गिर्द, सुलाए कुल के इर्द गिर्द जो प्रिंसिपल था गवर्नेंस का, जो कि फॉलो करा गया, यही वाला, वो जहांगीर के द्वारा भी करा गया, शाहजहां के द्वारा भी करा गया, लेकिन दीन एलाई इसका सक्सेसफुल नहीं हो सका उस जमाने में। अगर ये अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा ही होगा और वो माने मानेगा ही मानेगा इस बात को। एक हमारे ऊपर बॉक्स रह गया, ये नूर जहां का इन्फ्लुएंस जहांगीर के कोर्ट में, मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा वैसे अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ का नाम भी था, लेकिन यहां पर दूसरी मेहरुन्निसा की बात हो रही है मुगल एम्पायर के टर्म्स में। मेहरुन्निसा ने एम्परर जहांगीर से शादी करी 1611 में, और इनको टाइटल दिया गया नूर जहां का। ये काफी लॉयल और सपोर्टिव थी अपने हस्बैंड के लिए, एज अ मार्क ऑफ ऑनर कि ये अब मलिका हिंद बन चुकी हैं जहांगीर से शादी करके। तो जहांगीर ने अपने बीवी के नाम पर कुछ सिल्वर के, चांदी के सिक्के बनवाए,
जहां पर एक साइड उनका टाइटल हुआ करता था और दूसरी साइड एक इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, कि इनके नाम पर ये सिक्के हैं। जैसे वो नहीं होता नोट पर, जैसे आरबीआई का गवर्नर जैसे होता है, आरपीआई आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, है ना, यही चीज, ताकि इसको क्या है एक तरीके से लीगल बैकिंग मिल सके। वैसे मना तो कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन वाइफ के नाम पर लीगल बैकिंग हो जाए। बगल में आपको यहां पर एक ये इस जगह पर एक ये फरमान दिख रहा है नूरजहां का, एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर उनका एक ऑर्डर है। यहां पर एक सील है, ये यहां पर लिखा हुआ है कमांड ऑफ हर मोर सब्लाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम, ठीक है। एक ये और एक ये दोनों सील है, स्क्वायर वाला भी और सर्कुलर वाला भी, ठीक है। और इसमें इसकी तारीफ करने के लिए लिखा हुआ है, बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम अ ब्रिलियंट एस एज द मून मे नूरजहां पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज। मतलब वही बीवी की तारीफ में झूठे झूठे शब्द, ठीक है। इनके ऑर्डर थे, अब ये नूरजहां का ऑर्डर ये बताता है, इससे हमें सीखना क्या है, मैंने क्यों पढ़वाया, इससे कुछ होगा तो, यानी कि वो है इतनी ब्रिलियंट है चांद की तरह, उसका जो युग है, इसका जो इम्पैक्ट है नूरजहां का वो चलता ही जाए, ये तो कहीं स्कोप है ही नहीं हमारे पेपर में लिखने का। इससे सीखना क्या है, इससे ये सीखना है कि जिस प्रकार का फेमिनिज्म हमें एंशियंट हिस्ट्री के अंदर मिसिंग मिलता है, कहीं कहीं जगह पर मिलता है वो हमें पता है, लेकिन जिन जिन जगह पर मिसिंग मिलता है, लेकिन इसकी झलक जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हम फेमिनिज्म का कंसेप्ट कैसे कह सकते हैं, रजिया सुल्तान का गद्दी पर आना और उसका सुल्तान बनना लेडी होने के बावजूद, और मुगल एम्पायर की टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि क्या लेडीज को अथॉरिटी थी पॉलिसी मेकिंग की या फिर कुछ भी ऑर्डर जारी करने की ऑन बिहाफ ऑफ सुल्तान। तो जी हाँ, अगर आपको ये चीज कहीं पर कोट करनी हो जनरल सोसाइटी के टॉपिक में भी, एसे के अंदर में भी, जीएस पेपर 4 के अंदर भी, कि फेमिनिज्म एक प्रोमिनेंट फीचर नई सेंचुरी का नहीं है, हमें पुराने एजेस के अंदर इसकी झलक देखने को मिलती है, बस ये लेकिन एक फफकते हुए दिए की तरह है कि कभी कभी बहुत ज्यादा इसकी ज्वाला उठ पड़ती है और फिर वो शांत हो जाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान के अलावा हमें और कोई देखने को नहीं मिलती लेडी के जो गद्दी पर आकर बैठकर, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, खिलजी हो, ठीक है, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ स्लेव डायनेस्टी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है रजिया सुल्तान का रूल, है ना। मुगल एम्पायर के टाइम पर हमें ये चीज देखने को मिलता है डैट पॉलिटिकल डिसीजंस भी यहाँ पर लेडीज ले रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, और यहाँ पर एक फेमिनिज्म का कंसेप्ट है। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चीजें सिर्फ हिस्ट्री में ही काम आएंगी, ऐसा नहीं है। यही एनालिसिस आपको, इसी एनालिसिस के लिए आपको A4 शीट्स बनानी होती है, जो कि आप लिखते चलो लिखते चलो, जिसको मैं सौगंधा कहता हूँ ना, औरतों का चिट्ठा एक पूरा का पूरा, ये है जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि फेमिनिज्म एक 21st सेंचुरी या मॉडर्न जमाने का आइडिया नहीं है, इसके जो रूट्स हैं ये बहुत पहले जमाने से जुड़े हुए हैं, बस वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि उस पेड़ की जड़ को किसी ने पानी नहीं दिया, ऊट पटांग की स्टेटमेंट बनाकर जैसे, और बन सकती है ऐसी स्टेटमेंट, कोई गलत कोई वो वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। शौक, मैं तो शौक नहीं होऊंगा अगर ऐसा कोई कभी क्वेश्चन आ गया, क्यों नहीं होऊंगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था थोड़ी क्लासेस पहले, शायद नहीं याद है, जीएस पेपर 3 के अंदर, कि टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री, 2016-17 का क्वेश्चन याद है वो, उसने जीएस पेपर 3 में भाई टेररिज्म के कंसेप्ट और इकोनॉमी के इंडस्ट्री के कंसेप्ट को कंबाइन कर दिया और क्वेश्चन बना दिया अपने आप से उठपटन सा। ये चीजें इसलिए होती हैं ताकि आपके सामने एकदम से कोई नई सिचुएशन आएगी ना एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद, तो आप स्टक ना हो जाओ वहां पर, क्योंकि आपके पास सोचने का बहुत कम टाइम रहता है। यू आर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यू आर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपको क्विक एक्शन लेना होता है, और वहां पर आपके लिए क्विक एक्शन लेने के लिए 1 मिनट होता है। सेम पेपर ऐसे ही होता है कि वहां पर आपको 1 मिनट होता है, और ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, लोग सोचते हैं अरे ये क्या करना, छोड़ो इतनी ज्यादा एनालिसिस क्यों दे रहे हो, इसमें क्या क्या ही हो जाएगा। भाई यही एक क्वेश्चन ना दोबारा मजबूर करवाएगा, अगले साल फिर मेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12-15 नंबर के जो ये 10-15 और 15 नंबर के अगर ऐसे हर पेपर के अंदर क्वेश्चन मिल जाए और पर्सन टाइम वेस्ट करके अगर कुछ भी लिखकर आ जाए या छोड़ दिया उसको,
तो तीन पेपर 45 नंबर के क्वेश्चन, 45 नंबर का मतलब पर्सन ने करा नहीं, अब क्या घंटा किसी का सिलेक्शन होगा पूरी पीडीएफ लिस्ट में? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस भी नहीं मिलनी है उस पर्सन को। इसलिए एनालिसिस देता हूं, क्योंकि ये तो जो 6-6 साल से पढ़ रहे हैं ये तो वो भी जानते हैं टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में क्या बड़ी बात है, ये तो आप सेल्फ रीडिंग भी करके कर सकते थे, मेरे पास या किसी और के पास आने की क्या जरूरत है किसी फाउंडेशन कोर्स में? पढ़े लिखे लोग हो, सब लोग मैच्योर हो, इतना तो खुद भी जान सकते हो कि इन शब्दों में क्या लिखा हुआ है, जो शब्द समझ में आए आपके पास गूगल है, डिक्शनरी है पीछे की, लेकिन हमें चीजों को जानना पड़ता है और उसकी एप्लीकेशन की। सिर्फ ये चीज अगर यहाँ पर मौजूद है ना, पेपर वन का पार्ट नहीं है ये, इसको मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? ये बक्से ऐसे थोड़ी ना फालतू दे रखे हैं हम, जिनको फालतू समझ के छोड़ देते हैं। यूपीएससी के एग्जामिनर के पास इतना स्कोप होता है, 100 क्वेश्चन बनाने हैं एक एक बॉक्स के ऊपर, वो 15-15 दिन बैठ के भी सोचेंगे, लेकिन उनको 100 ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिससे वो 15 लाख के कंपटीशन को सिर्फ 15,000 कर सके मेंस लिखने वाले बच्चों का। तो उतनी ही मेहनत हमें करनी चाहिए, वो क्योंकि जानते हैं, एक कमजोरी जानते हैं, हर कोई भागता है कोर्स कंप्लीट करने में। तो अकबर यहां पर डिस्कशन होल्ड कर रहा है इबादत खाना के अंदर, और ये चीज कहां पर होती थी? स्टार्टिंग हुई इसकी फतेहपुर सिकरी से, ठीक है? आपको अलग अलग धर्म के लोग देखो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 12th क्लास में आपको थीम 2 की बुक में देखने को मिलेगी, जो कि मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है यहां पर, लेकिन देखते हैं। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क इन टू पर्शियन। अकबर ने, अब क्योंकि देखो इतना टॉलरेंट लीडर है, ये तो चीज पता लग गई ना अर्पित आपको, सुगंध ऐसे ये चीज तो पता लग गई कितना टॉलरेंस है इस लीडर के अंदर, है ना, अकबर के अंदर। तो जो ज्यादातर जो उस टाइम पर जो वर्क थे हिंदुस्तान में धर्म के ऊपर, इनके आने से पहले वो हिंदुइज्म के साथ एसोसिएटेड थे, जो कि बहुत साल पहले लिखे जा चुके थे, राइट शाइनी, वो संस्कृत में थे, वैदिक संस्कृत में थे। इसने कहा कि मुझे भी सीखना है उन वर्ड को, इसलिए इसने उनको पर्शियन में कन्वर्ट करवाने का ऑर्डर दिया। तो यहां पर एक ट्रांसलेशन ब्यूरो इसने पूरे का पूरा बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, उसको कहा जाता था मकताब खाना, मकताब खाना ट्रांसलेशन ब्यूरो। इसको स्टैब्लिश करा गया फतेहपुर सिकरी में इस पर्पस के लिए। तो आप यहाँ से एक पिक्चर से ऐसा कुछ आइडिया लगा सकते हो कि रिलीजियस डिस्कशन भी यहाँ पर फतेहपुर सिकरी के अंदर होल्ड कर रहा है, और ये जो किताबें नीचे ये जो जमीन पर ऐसी ऐसी बिखरी पड़ी हैं, ये इसी के लिए, जो वर्क का ट्रांसलेशन चल रहा है फ्री टाइम में, ये भी सुनता रहता था कि मुझे बताओ मेरी भाषा के अंदर। अब जानने इसकी क्यूरियोसिटी देखो किस लेवल तक जाती थी, इसने किस किस चीज की लैंग्वेज ट्रांसलेट करवाई फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, महाभारत की, रामायण की, लीलावती प्ले, योग वशिष्ठ, ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क्स थे जिनको ट्रांसलेट करवाया गया पर्शियन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ये रजमनामा क्या है, आई रिपीट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ये रजमनामा क्या है, एंड ये क्वेश्चन माइंड यू एमपीपीएससी में अभी आपको जो 3 पेपर होने वाले हैं उसमें से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पक्का। जो ये पर्शियन ट्रांसलेशन है ना महाभारत की, ये है रजमनामा। इसके अंदर हमें फोटोज के साथ इवेंट्स देखने को मिलते हैं महाभारत के, दिखाता हूं आपको कैसे। आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये चीज लिख रखी है, श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं, रजम नामा कृष्णा जी, ये क्या है, ये फोटोज देखो कितनी अच्छी बनवाई, महाभारत का युद्ध, उनके रथ को
कृष्ण जो है वो रथ को चला रहे थे, ठीक है, और रथ पर सवार कौन था? कृष्ण किसका रथ चला रहे थे? कृष्ण जी महाभारत के टाइम पे अर्जुन का। उनके रथ को बल कौन देता था ऊपर से? हनुमान जी। हनुमान जी बल मतलब पावर। अगर हनुमान जी का सपोर्ट नहीं होता ना, मतलब वो पूरे महाभारत के टाइम पर दिखते नहीं उस रथ के ऊपर, अगर हनुमान जी का सपोर्ट नहीं होता ना, वो रथ फट जाता। अब इतनी डिटेल में आप जानते नहीं होगे इसलिए फोटो शायद से समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन ये नीचे देखो पर्शियन लैंग्वेज देखने को मिल रही है। अब शायनी ये इमेज एक बहुत ज्यादा ब्यूटिफाइड इमेज नहीं है कि मतलब दूसरे धर्म का इंसान जो कि मुगल एम्परर है वो इतनी क्यूरियोसिटी करवा रहा है, इतनी क्यूरियोसिटी से मतलब ये ट्रांसलेट करवा रहा है कि उसने इमेजेस वगैरह भी बनवाकर पूरी कहानी लिखवाई नीचे। बताओ है कि नहीं अर्पित? ये देखो महाभारत की कुछ और कहानियां, पांडवों का और कौरवों का कुछ कुछ बैटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगेन पर्शियन के अंदर यहां पे लिखा हुआ है। अब ये क्या उस जमाने के अंदर, बताओ सौगंधा, ये जो इमेजेस बनाई गई हैं क्या ये बहुत ब्यूटीफाइड एक टेक्स्ट नहीं लग रहा हमें कि छोटी सी डायरी काइंड ऑफ एक बहुत प्यारी सी, जैसे बच्चों को किताब देते हैं कहानी लिखी रहती है, लेकिन फिर भी जितनी हमारी महाभारत है ना उतनी ही डिटेलिंग से ये फोटोज के साथ बनाई गई है। और ओरिजिनल महाभारत में हमारी अर्पित आप जानते हो कोई कलरफुल फोटोज और ऐसा कुछ तो है नहीं हर पेजेस के ऊपर, लेकिन यहां पर हर एक इवेंट के लिए ये चीज करवाई गई। जैसे क्या होता था, ब्राह्मण्स को बुलाया गया या जो कि संस्कृत जानते हैं उनको बुलाया गया कि बताओ क्या था क्या नहीं था, और फिर वहां पर जो ये इसका डिपार्टमेंट जो है मक्ताब खाना और कुछ कुछ जो आर्टिस्ट हैं वो भी बैठ के मतलब सुन रहे हैं, तो अकबर ने उनको एक कमांड दी कि तुमने गहराई से इस चीज को सुनो और इमेजिन करो। आर्टिस्ट से बोला तुम इमेजिन करो, तो उसने इमेजिन करा। अब यहां पर क्या होता था, पहले लिखने वाले ना कहानी उन्होंने लिख दी इतने इतने बक्से में, और फिर आर्टिस्ट को बोला जाता था अब तुम इसके बैकग्राउंड में या फिर कैसे भी करके इसके बैक ऐसा लगे कि बैकग्राउंड में एक फोटो बनाओ। तो यहां पर जान रहे हो इनकी प्रिसाइसनेस कितनी होती थी अर्पित सौगंधा, कि गलती का कोई स्कोप नहीं है यहां पर। देखो जरा, क्योंकि अगर देखो ना सुगंधा, अगर कोई टेक्स्ट लिख गया है अब उसके बाद कोई फोटो गलत बना दे तो फिर तो वो दोबारा उसके पास जाएगा ना, भाई यार फिर से लिख दे प्लीज यार, गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी यार। लेकिन यहां पर ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था, इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग काम करते थे अकबर के कोर्ट में। ये देखो ये सारी की सारी कहानी है, मतलब वही एसोसिएटेड। मैंने आपको एक चीज दिखानी थी, ये है वो फोटो, अब इसका फुल वर्जन आए तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो दोस्तों ये उसी पेज से है, नीचे देख रहे हो पर्शियन, ठीक है, ये उसी पेज से है, अगले पेज पर इसके टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब अर्पित ये बताओ ये क्या फालतू सी फोटो लग रही है, बहुत प्रिसाइजनेस नहीं है इस फोटो के अंदर, छोटे से पेज के अंदर सबकी आईज एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ बहुत क्लियर नहीं है, ये चीज है। अरे कृष्ण जी हैं जिन्होंने, अरे पर्वत नहीं उठाया था छोटी उंगली से? हाँ, सारी चीजें, क्या ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई? बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।